Okay, very good evening to all. Last time, before winding up the session, I asked you to do homework. This was that program, program number 13. This was that program which I asked you to do. We will see this program now and then we'll move ahead with other thing. So before going on program, I'll tell you one thing, like this meeting link is going to remain same for all our sessions. So how to save this link? How to save this link? So just see, I have clicked on this link. After that, you go over here. This is bookmark. I guess you are able to see the mouse. This is link. You go on this bookmark, click on this, add bookmark. So this is, you can give name to this bookmark. You can give the name as Python session, fine, and then done. So what had happened, kya hua? If I click my new, this one, see here, Python session will be there somewhere, see, Python session. So I can enter from here. Are you getting this? So you can make a bookmark like this. So whatever bookmark I have done till now, like these all things are coming over here. Some of them are there by default also, like this WhatsApp, I have not done this. This YouTube, I have not done this, but I have used it many times and most of the times, like my personal, this official email ID and all that stuff. But if you want to add something, then that is possible. फिर से बता रहा हूँ, जो लिंक है आपके उस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, ये बुकमार्क है, यहाँ पे एड बुकमार्क आएगा. अभी एडिट क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया है उसको, एडिट बुक, एड बुकमार्क. वहाँ पे जाके बुकमार्क का भी जो भी नाम है वो करो, नाम दे दो और डन कर दो. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी आप इंटरनेट ओपन करते हो तो इस टाइप का पेज आता है ना, तो वहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएगा. मेरे में बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी बुकमार्क है, इसलिए मुझे यहाँ पे जाके फिर इसमें जाना पड़ रहा है. ठीक है, मेरा ऑलरेडी ये सेव्ड है Python Tech Phoenix ट्रेनिंग करके. सो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये वाला प्रोग्राम जो होमवर्क में दिया था आप लोगों ने किया है, बट स्टिल आप एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कैसे करना है इसको. बहुत ही सिंपल है. मैं पहले ही बता रहा हूँ एक चीज़ आप लोगों को फिर से, कि जो हम लोगों का पाइथन का कोर्स है, मैंने आपको बोला सितंबर तक में, बट हम लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, हो सकता है थोड़ा टाइम चला जाए, मे भी हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक भी जा सकता है ये कोर्स. तो अगर आपको अगर कभी भी लगता है कि सर लंबा नहीं जाना चाहिए, शॉर्ट में आना चाहिए, तो आप लोग वैसा मुझे बताओ, तो हम लोग प्रोग्राम की प्रैक्टिस कम करेंगे. जितने ज़्यादा प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, पहली चीज़ वो थी. दूसरी चीज़ ये है कि तीनों मॉड्यूल अलग अलग है. सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना आपको थर्ड मॉड्यूल में लगने वाला है, और वो मॉड्यूल इजी भी है स्टार्टिंग में, बट आगे का भी और भी इजी थर्ड वाला. सबसे छोटा मॉड्यूल जो है मॉड्यूल टू है, और ये जो मॉड्यूल वन है अभी इसको 4-5 सेशन और लगने वाले हैं. सो लाइकवाइज
लेट्स मूव टू द आवर प्रोग्राम. सो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो दिस इज आवर आउटपुट, दिस इज आवर आउटपुट. कैसे आ रहा है पहले देख लेंगे. सी फॉर x इन रेंज 1 to 5, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये रहा फोर्थ वैल्यू. अभी क्या करना है, फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज 1 to x, मतलब क्या हो गया, फॉर के इन रेंज 1 to x, मतलब कि हम लोग एक एक करके ये लूप जब स्टार्ट होगा, यहां से लूप स्टार्ट होगा, तो पहले x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. तो इस 1 की वैल्यू पे पहले हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं, मतलब ये लूप पूरा कंप्लीट कर, लूप कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ये x वाला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. तो x की 1 की वैल्यू पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x की 1 की वैल्यू पे 1 पे क्या हो रहा है, 1 मतलब k की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, k की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये टैब नहीं आएगा, टैब नहीं आएगा, टैब नहीं आएगा. तो फर्स्ट लाइन में आप स्टार्टिंग में देखो कोई भी टैब, यहाँ पे टैब नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है. फिर क्या है, फॉर वाई इन रेंज, ये एक्स वाला लूप के अंदर ही वाई है, फॉर वाई इन रेंज एक्स इंटू 2 - 1, मतलब 1 × 2 - 1, मतलब 1 × 2 मीन्स 2 - 1, सो 1. यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 देते हो तो y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 9 तक होगी. तो 1 से लेके 9 तक y की वैल्यू जो है, ध्यान से सुनना है, y की वैल्यू क्या क्या हो रही है, ये जो y है उसकी वैल्यू क्या क्या हो रही है, x की 1 पे यहाँ 1 पुट करेंगे तो y 1, 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस. अभी अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे y डाल दिया, प्रिंट इसकी जगह पे y डाल दिया, ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंट के लिए क्या बोला है, y की वैल्यू पहले लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएंगे, ठीक है. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करना है, और जब स्टार प्रिंट होंगे तो यहाँ पे स्टार, 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 स्टार 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 प्रिंट होते जाएंगे, और बीच में टैब भी आता जाएगा. तो यहाँ पे 9 स्टार प्रिंट होने चाहिए, हम गिन लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये बीच में क्या आएगा, टैब है, ठीक है, बीच में क्या है, टैब है यहाँ पे. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश टैब दिया. तो पहला स्टार 1 की जगह पे, फिर टैब, फिर दूसरा स्टार, फिर 1, 2 की जगह पे, फिर तीसरा स्टार टैब, फिर लास्ट में एंड, एंड मतलब ये एंड कर दो, एंड फिर नेक्स्ट लाइन, प्रिंट स्लैश एंड मतलब नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या करना है हमें, तो x की वैल्यू 1 हो गई, मतलब यहाँ तक ये 1 जो है वो कंप्लीट हो गया. अभी वापस से लूप कंप्लीट हुआ है क्या, हम लोग चेक कर लेंगे कि x की दूसरी वैल्यू पॉसिबल है क्या. हाँ पॉसिबल है, क्या है, 2 है. तो 2 पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. जब यहाँ पे 2 आ रहा है तो k जो है वो क्या है, k इन रेंज ऑफ 1, 2. 1, 2 मतलब k की क्या वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप ऐसा लिखते हो फॉर लूप में 1, 2, तो 2 एक्सक्लूडेड रहता है. 2 एक्सक्लूडेड रहता है मतलब क्या, 2 की वैल्यू नहीं आती. बट यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 के बाद क्या है, 2 आता है. तो एक वैल्यू वो ले रहा है 1, तो k की वैल्यू 1, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी इसमें 1 की. तो 1 की वैल्यू पे क्या करना है, टैब देना है. तो कितना टैब आएगा, 1, k की वैल्यू 1 ही है, k की वैल्यू 1 है यहाँ पे. तो इस 1 की जगह पे क्या लिखना है हमें, टैब. तो यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे टैब आ रहा है. फिर क्या है, फॉर y इन रेंज ऑफ 2, तो 2 × 2, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3. सो 3, 10 मतलब क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, तो ये 1 और 2 हटा देंगे हम लोग. तो अभी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे y, यहाँ पे आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, यहाँ पे प्रिंट स्टार कॉमा टी, तो यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट जो है y के अंदर यहाँ प्रिंट स्टार नहीं दिया होता,
प्रिंट वाई दिया होता तो यहाँ पे मुझे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब वाई की वैल्यू डायरेक्टली मिलती थी हमें, क्योंकि मैं प्रिंट वाई दिया, वाई की वैल्यू ये है, और यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है तो इन सभी वैल्यू की जगह पे स्टार आएंगे, मतलब यहाँ पे भी स्टार आएगा, ये भी स्टार, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार आएंगे। तो 7 स्टार देखो यहाँ पे है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, तो 7 स्टार आ गए। फिर क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन मतलब ये वाला जो फॉर लूप है उसकी सेकंड वैल्यू खत्म हो गई। फिर ये वापस एक बार चेक करेगा फॉर लूप को कि उसकी एक्स की और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, तो 3 वैल्यू चेक करेगा वो, 3 वैल्यू पे फिर क्या आएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि ये एक्स है। आई विल शो यू, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 है, सो 1, 3 मतलब के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू 1 और 2 आएगी, क्योंकि लास्ट वाली की वैल्यू होती है 1, 3, 3 लेते नहीं है, तो 1 और 2 दो वैल्यू आएगी। तो दो वैल्यू में करना क्या है, तो यहाँ पे क्या वाला टैब दे दो, दो तो यहाँ पे एक 1 के लिए एक टैब, 2 के लिए टैब, तो नीचे वाली लाइन में एक टैब ये आएगा और एक टैब ये आ गया, तो ये आपका के वाला लूप खत्म हो गया अभी। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, फॉर वाई इन रेंज ऑफ, तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक्स की वैल्यू 3 है, सो 3 × 2, 6 − 1 मतलब क्या हो गया 5, तो 5, 10 मतलब ये हटा दो, 5, 10 5, 6, 7, 8, 9 एक्स की जब वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो उसमें 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 क्या करना है, वहां पे स्टार डालना है, पांच स्टार आ फिर क्या है, फिर ये नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो स्टार्टिंग में, अभी नेक्स्ट लाइन मतलब प्रिंट यहाँ पे, इसीलिए फिर वापस वो एक्स के लूप को चेक करेगा, एक्स की वैल्यू 4, फिर ये रिपीट करेगा, तो यहाँ पे फिर वो स्टार्टिंग में ये के की वैल्यू पे टैब डालेगा और वाई की वैल्यू पे स्टार डालेगा, तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या करेगा, यहाँ पे वो एक्स का खत्म हो गया, वापस से वो एक्स के पास जाएगा, एक्स की नेक्स्ट वैल्यू 4 के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 के बाद वैल्यू नहीं है मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है अभी एक्स का जो लूप है फॉर लूप वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अभी नेक्स्ट वैल्यू एक्स की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ये वाला लूप का जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिर एक और लूप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग एक्स की, उसमें हम लोग दूसरे वैल्यू डाल रहे हैं। देखो अभी क्या है, अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1, 6 मतलब क्या हो रहा है, एक्स इन रेंज ऑफ 1, 6 मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, 1, 6 मतलब 6 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गया। अभी फॉर के इन रेंज ऑफ एक्स कॉमा 5 तो अभी हम लोग एक्स का लूप ले रहे हैं तो एक एक वैल्यू लेते जाएंगे, पहले 1 लेंगे एक्स की, यहाँ पे 1, 2, 5 मतलब के की क्या वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 5 नहीं होगा खाली, 4 तक ही होगा। ठीक है, के 1, 2, 3, 4 ठीक है, क्या आ रहा है, तो 4 टैब देने आपने, के मतलब यहां पे अगर आप के डाल दोगे तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा, बट टैब डाला है तो 4 टैब होगा, कौन कौन से 4 टैब होंगे, 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो 4 टैब हो गए। Now what is next? For y in range of, तो y के लिए क्या बोल रहा है,
जीरो कॉमा एक्स इंटू टू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या है अभी, वन वन ही चल रही है, तो वन वन इंटू टू माइनस वन मतलब वन इंटू टू टू माइनस वन मतलब वन. सो फॉर वाई इन रेंज ऑफ जीरो टू वन, तो वाई की क्या वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू फॉर इसके लिए वन ए की वैल्यू होगी दैट इज जीरो, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम लोग लेते नहीं है. तो वाई की वैल्यू जीरो मतलब ये जीरो है, वैल्यू है. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में वाई लिखता हूँ यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट इस स्टार की जगह पे जीरो प्रिंट है, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो है. बट फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार टैब दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार और ये टैब आता है, लेकिन वो टैब हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है हम लोगों ने. फिर क्या एंड बोल के प्रिंट स्लैश एंड किया, मतलब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगा. फिर उस नेक्स्ट लाइन के लिए x की वैल्यू टू होगी, तो ये x की टू के लिए पूरा लूप ये रिपीट होगा ये, तो उसके लिए हमें यहाँ पे तीन टैब मिलेंगे, एक दो तीन, मतलब k की वैल्यू जो होगी जीरो वन टू थ्री ऐसा होगा, ठीक है. और फिर यहाँ पे हमें ये ऐसा मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा जब टू पुट कर टू डे फोर माइनस वन थ्री, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें y की जीरो वन टू, तो तीन स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे, ये ठीक है. स्टार क्यों, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट या स्टार करा है, वाई प्रिंट कराएंगे तो जीरो वन टू वैल्यू मिलेगी यहाँ पे. फिर नेक्स्ट लाइन, फिर एक्स की वैल्यू थ्री, फिर उसके हिसाब से के लिए टैब, वाई के लिए स्टार. तो इस वजह से फिर ये जो नीचे का प्रोग्राम है, दिस विल गिव यू दिस पार्ट. तो ये प्रोग्राम समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो. यस सर. तो मैं क्या करता हूँ, इसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. चैट बॉक्स में डाल दिया. आप उसको कहीं पे सेव करके रखना चाहते हो तो सेव भी कर लो, ये सब ही है, ठीक है. तो ये लास्ट टाइम का होमवर्क था जो कि मैंने आपको दिया था, ये लास्ट वाला प्रोग्राम जो था ये वाला, अभी हम लोगों ने ये किया. बाकी के 12 प्रोग्राम हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है. वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है गूगल क्लासरूम पे, तो दैट इज़ नॉट एन इशू. आज 13th भी बता दिया मैंने. अभी हम लोग इसी से मिलते जुलते और प्रोग्राम करेंगे आज, ये दो दिन हम लोग वही करने वाले हैं. तो टुडे इट्स आवर 10th सेशन. करना क्या है पहले वो देख लेते हैं. हमें ये सारे चीजें प्रिंट करवानी है, मतलब 9 प्रोग्राम करना है. पहला प्रोग्राम जो होगा इट शुड गिव अस दिस काइंड ऑफ आउटपुट. Second program should give us this kind of output. Third program should give us this kind of output. Fourth program should give this kind of output. Fifth, this, sixth, this, seventh, this, eighth, ninth, this, like this. So, पहला वाला प्रोग्राम जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे. पहले में 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये प्रोग्राम करेंगे हम लोग, ठीक है. कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी भी है, इजी वीजी वे से हम लोग जाएंगे. सिंपल सिंपल सा है, मैं स्टार्टिंग में एक आध बताते जाता हूँ आपको, बाद में आपने मुझे बताना है. अरे बाप रे, उड़ गया क्या? ठीक है, ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ से. अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपको दिखने में या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बताओ, तो मैं साइड बाय साइड नहीं रखूँगा, ऐसे रखूँगा. मुझे प्रोग्राम चाहिए, पहले लाइन में वन, दूसरे लाइन में वन टू, तीसरे लाइन में वन टू थ्री, चौथे लाइन में वन टू थ्री फोर, पाँचवें लाइन में वन टू थ्री फोर फाइव. ध्यान से देखना मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ. तो पहली चीज़ तो ये है कि लाइन्स कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव लाइन्स है. तो मुझे x की 5 वैल्यूज चाहिए टोटल,
एक्स की कितनी वैल्यू चाहिए, 5। तो कैसे लिखेंगे एक्स की वैल्यू? सो फॉर एक्स इन रेंज 1,6, फॉर एक्स इन रेंज 1,6, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू सेट हो गई। मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू। तो पहले के लिए पहला लाइन, दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा लाइन, तीसरा वैल्यू के लिए तीसरा लाइन, चौथी वैल्यू के लिए चौथा लाइन, पांचवी वैल्यू के लिए पांचवा लाइन। यस नाउ अभी ये दूसरा जो प्रिंट होना चाहिए ये कैसा है पता है क्या? सेम वे है। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम का मैं बताता हूँ, ये प्रोग्राम में हमें क्या करना है। मतलब जो पहले हम लोगों ने ऐसा किया था, स्टार, 2 स्टार, तीन स्टार, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टार, ठीक है। तो ये जो 5 इस वजह से हम लोगों ने स्टार प्रिंट किए थे, वहां पे अभी नंबर प्रिंट करने। तो स्टार के लिए भी हम लोगों ने क्या किया था, पहले लाइन लेने के लिए एक्स लिया था, और बाद में रिस्पेक्टिव स्टार्स के लिए हम लोगों ने वाई लूप लिया था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं वाई लूप लेता हूँ। फॉर वाई इन रेंज 0 to x। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बताता हूं आपको। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, 2, 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी x की वैल्यू क्या डाला मैंने यहाँ पे, 1 डाला। तो 0 to 1 मतलब अभी y की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू y की क्या है, वो 0। ठीक है, तो इस वैल्यू पे मुझे क्या प्रिंट करना है, पहले मैं स्टार प्रिंट करवाता हूँ। पहले मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ, स्टार प्रिंट करवाता हूँ ये, फिर उसको हम लोग नंबर से रिप्लेस करेंगे, ताकि आपको इस वजह से इजी समझ में आएगा। मतलब मुझे स्टार वहां पे देते हैं, स्टार के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट स्टार, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ये सेव कर लेंगे इसको, सेशन 9। यहाँ पे न्यू फोल्डर ले लेंगे सेशन करके, सेशन 10 के अंदर है ये, जो सेशन में चल रहा है हमारे, प्रोग्राम 1 है, सेव। अगर मैंने इसको अभी रन किया तो 1 स्टार आना चाहिए, 1 स्टार नहीं आएगा, एक्चुअली स्टार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, y की जब वैल्यू 0 है तो वहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार। फिर क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे 2 आ गया, तो y की दो वैल्यू है 0 एंड 1, तो वहां पे 0 एंड 1 पे क्या प्रिंट करना है, स्टार। फिर जब x की 3rd वैल्यू है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 है तो 0, 1, 2, उस पर क्या प्रिंट करना है, स्टार, तो स्टार स्टार स्टार। फिर 4 पे 4 स्टार आएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4। फिर जब y की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे 3, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, तो 0 to 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 वैल्यू आएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी क्या हो रहा है,
स्टार प्रिंट करना है तो ये स्टार प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा रन करके देखते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, अगर मुझे थोड़ा सा ये चाहिए तो मैं टैब दे दूंगा। तो अभी देखो ये 4 5, ठीक है। अभी ये स्टार पैटर्न, अभी मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 2 चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम करना है। तो मैं अगर वाई की वैल्यू 0 से लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अगर y डाला अभी, तो वो क्या करेगा पता है क्या, यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे 0 1 देगा, यहाँ पे 0 1 2 देगा, ऐसे करके करके देखेंगे हम लोग, आपको तब समझ में आएगा। ओके ये स्ट्रिंग ले लिया उसने। जीरो जीरो वन, थोड़ा सा अगर ये चाहिए गैप चाहिए ऐसा कर देंगे। तो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4, बट हमें क्या चाहिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए यहां को हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस जब यहां 1 से स्टार्ट करते हैं 1 से, तब x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 और 1, ये 1 और ये 1 पे, फिर यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी नहीं मिलती थी, ये हमें ब्लैंक मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट y की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जब एक वैल्यू y की कब मिलेगी, जब x 2 से स्टार्ट होगा। तो x को 2 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, जब हम लोगों ने x को 2 से स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम क्या है, x को अगर 2 से स्टार्ट करते हैं और 6 तक रखते हैं तो 2 3 4 5 चार ही वैल्यू मिलती है, तो हमें 5 वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम लोगों ने 7 डाल दिया यहाँ पे। अभी देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैं बताता हूँ वापस कैसे हुआ है। हमें ये वाला प्रोग्राम चाहिए था और ये वाला प्रोग्राम मिल गया। ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोग्राम नंबर 1 इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट हमें मिल चुका है। प्रोग्राम कौन सा है हमारा, ये वाला। अभी ये आया कैसे प्रोग्राम, तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। स्टार्टिंग के एक दो प्रोग्राम अच्छे से करूँगा, आगे के भी मैं करूँगा, ऐसा नहीं है, बट ये प्रोग्राम अगर आपको क्लियर होंगे, आगे भी कल भी हम दूसरे टाइप के प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोग्रामिंग का पूरा इसमें लॉजिक। अभी देखो कैसे हो रहा है। तो x की वैल्यू जो है ना 2 2 7 है, 2 2 7 है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या है, 2 3 4 5 6, और लास्ट वाली वैल्यू होती है 2 3 4 5 6 7, लेते नहीं है हम लोग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 7 रहता है। अभी क्या है फॉर y इन रेंज, तो पहले क्या लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे हम लोग। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1, 2, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 1। तो उस 1 पे आपको क्या प्रिंट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे स्टार दे दो। पर मुझे क्या प्रिंट करवाना है, वाई प्रिंट करवाना है, तो मुझे वाई प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे वाई दे दी, मतलब यही वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने वाई दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वाई की वैल्यू आ गई। फिर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे फिर गैप दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे रहा है वो, ठीक है, स्पेस दे रहा है, वाइट स्पेस दे रहा है। बाद में एंड, एंड मतलब एंड कर दो, और बाद में नेक्स्ट लाइन, मतलब ये लाइन खत्म। अभी क्या कर्सर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन के बाद क्या खत्म हो जाएगा, क्या लूप खत्म हो गई, लूप कब खत्म होगा, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये फॉर लूप एक्स के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है, जो कि एक्स पे वर्क कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू खत्म हो गई क्या, नहीं, अभी एक्स की एक की वैल्यू खत्म हुई, दूसरी वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ। जब मैंने वाई की वैल्यू 3 पुट की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट की, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1, 2, दो वैल्यू हो जाएगी वाई की। फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 नहीं लेते हम लोग,
तो उसमें क्या है, वाई को वाई प्रिंट करवाना है, वाई प्रिंट करवाना है तो ये वन एंड टू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या करना है, एक्स की फोर की वैल्यू लेनी है, एक्स की फोर की वैल्यू लेनी है मतलब एक्स की वैल्यू फोर लो, यहाँ पे फोर लो मतलब वन टू थ्री तीन वैल्यू आएगी। क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को ही प्रिंट करवा दे डायरेक्टली मैंने, तो यहाँ पे वन टू थ्री आ गया। फिर क्या आएगा, यहाँ पे फाइव वैल्यू आएगी एक्स की, सो वन टू थ्री फोर, सो वन टू थ्री फोर, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं आया, तो इस वजह से ये पूरा सीरीज प्रिंट हो जाएगा। दो मिनट में आया ना बस। दो मिनट में अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चुप चुप चुप, ओके सॉरी फॉर द ट्रबल। सो दिस वे दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ आउटपुट। सी आई एम अगेन टेलिंग यू कि डोंट रिमेंबर द कोड, डोंट रिमेंबर कि अच्छा यहाँ पे अगर आपने ऐसे याद रखा टू टू सेवन है, तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जब बोलूंगा ना तो आप बोलोगे अच्छा फिर टू टू सेवन से ही स्टार्ट करोगे आप या कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे, नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप खाली लॉजिक याद रखो, दो मिनट सोचोगे तो अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग नेक्स्ट कोड पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, ये वाला आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ आउटपुट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे अगर आप लोग हेल्प करोगे तो वी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोग्राम, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट जाएगा। अगर आपने हेल्प किया तो ईजी जाएगा हमको। अभी मुझे हेल्प करो आप, पहला क्या आएगा,
इस प्रोग्राम के लिए पहला लाइन तो कोई बता सकता है. एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन कोड फॉर दिस प्रोग्राम. फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6. फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6. तो बताया आंसर. सर साहिल सर. साहिल तंबोल. ओके फाइन. नेक्स्ट लाइन कौन बताएगा? कॉम एक्स और वन कॉम एक्स प्लस वन. एक्स प्लस फाइव कॉमा. एक्स प्रिंट एक्स एक्स. ओके रन करके देखेंगे. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 जो चेतन मिल गया है. कैसे आया मैं बताता हूं मैं आपको. देखो x की वैल्यू क्या है. फॉर x इन रेंज ऑफ 1 to 6 मीन्स 1 2 3 4 5. ठीक है 1 2 3 4 5. अभी क्या है y इन रेंज 1 to x+1. मतलब पहले x की वैल्यू 1 डाली. मैं ये वैल्यू को पहले इधर बताता हूँ. ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू लाइन इंडिकेट्स कर रही है. इसे 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन. ठीक है. अभी क्या हो रहा है? जब फर्स्ट लाइन है तो एक्स की वैल्यू 1 है. उस टाइम में वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 1 प्लस 1. तो क्या आ जाएगा? 1 कॉमा 2. तो इसके लिए जब x की वैल्यू 1 है, मतलब जब फर्स्ट लाइन पे हम लोग है, तो y की वैल्यू क्या है? 1, 2. मतलब y की एक ही वैल्यू क्या है? वो 1 है. 2 वैल्यू लेगा ही नहीं वो. y की वैल्यू 1 है, उस पे हमें प्रिंट क्या करवानी है? उस पे हमें प्रिंट क्या करवानी है? तो y की वैल्यू 1 है, मतलब स्टार प्रिंट कराना. स्टार डाल दो तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा. वाई डाल दो तो 1 आ जाएगा. हमने क्या किया है? एक्स डाला है. तो एक्स डाला है तो क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई. क्या? एक्स की वैल्यू 1. तो यहाँ पे आ गई. क्यों किया है? क्योंकि पहले लाइन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड लाइन में देखते हैं क्या इशू आता है. सेकेंड लाइन में क्या होगा? एक्स की वैल्यू 2 होगी. एक्स की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो गया. क्या हो गया यहाँ पे? 3 हो गया. तो इस टाइम में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 3. मतलब वाई की दो वैल्यू आएगी, 1, 2. अगर मैंने यहाँ पे वाई डाला होता तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ होता? 1, 2 प्रिंट हुआ होता. 1 स्पेस 2 प्रिंट हुआ होता. बट मुझे क्या प्रिंट करवाना है? 2, 2 प्रिंट करवाना है. तो वाई की एक्स की वैल्यू क्या है? 2 ही है. तो मैं यहाँ पे एक्स डाल दूंगा. एक्स डालने से क्या हो गया? इसकी जगह पे भी वो 2, 2 डालेगा और इसकी जगह पे भी वो 2 ही प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे 2, 2 आ गया. एक और वैल्यू लेके देखते हैं हम लोग. थ्री का तो 3 प्लस 1 मतलब 4. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1, 4. y की वैल्यू क्या हो गई? 1, 4. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3. ठीक है. इन दिस वे वी अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? x. तो x की वैल्यू क्या है? 3. तो यहाँ पे भी 3, इस जगह पे भी 3, इस जगह पे भी 3 और इस जगह पे भी 3. यहाँ पे 3, 3, 3. उसी वजह से 4, 4, 4 और 5, 5, 5. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा फार. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग लिटिल बिट? यस सर. दो आवाज आई यस करके धीरे से. यस सर. तीन आवाज आई यस करके. यस सर. यस सर. चार पांच आवाज. छह. दो मैसेज आए. 7, 6, 2, 8. गेटिंग 8. निशा जो है लेफ्ट हो गई. चलो कोई बात नहीं. 9 आवाज हो गई. मेरे दो यहाँ पे है इंक्लूडेड. तो 2 मतलब प्रेजेंटेशन का और एक मेरा खुद का. 9, 2, 11 हो गए. गौरी का मैसेज आया 12. दो और होंगे इसमें. निशा आर यू गेटिंग?
यस सर। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है इसलिए मैं बार बार कट हो रही हूँ। अब स्क्रीन नहीं दिख रही है उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको क्या है। अभी सपोज मैंने अक्षय को यहाँ पे ये किया, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे बताऊँ? हाँ तो आप वापस से लॉग आउट हो और फिर वापस से लॉग इन करो, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे कल सर मैंने दो बार करके देखा है फिर भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आर यू देयर ऑन मोबाइल और व्हाट? अरे मोबाइल क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी जैसे कि मैं अभी मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप वापस से लॉग आउट करो और फिर से सिस्टम में लॉग इन करो वही बोल सकता हूँ, लेकिन आप बार बार हो रहे हो। बाकी वो दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। क्योंकि अगर आपको एक बार कुछ दिख रहा तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे पिन करो आप तो मेरा मेरा ही स्क्रीन दिखेगा मेरे नाम पे जाके आप। एक काम करो निशा, मेरा जो जहाँ मेरा नाम दिख रहा है ना वहाँ पे अगर आप आपके कर्सर को लेके जाओगे ना तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। सेंटर वाला जो होगा माइक का रहेगा जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, साइड वाला जो होगा सर्कल में डैश करके दिखा है दैट मीन्स रिमूव फ्रॉम मीटिंग, आपको हो रहा है कि मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे इसमें दिख रहा है वो। और पहला वाला जो होता है ना वो देता है पिन, जैसे मेरे पिन सुनील मेदे टू योर मेन स्क्रीन, तो मेरे वाले पे जाके वो पहला वाला ऑप्शन जो है ना पिन वाला उस पर क्लिक कर दो आप तो मेरा वाला ही पूरा स्क्रीन दिखाई देगा आपको। यस सर। ठीक है, हुआ क्या निशा? सर नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे निशा बोलो। सर एक्चुअली सर एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है सर। सुनील आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर। सर एक्चुअली जो अनइंस्टॉल करना पड़ता है सर, ये बहुत लोगों को सर प्रॉब्लम आया है सर। पर ये एप्लीकेशन के डायरेक्टली नेट से आपने आपके ईमेल आईडी ओपन करो आपके ओपन से भी वहां से भी आता है, मोबाइल में कर रहे हो इसीलिए आपका दिक्कत है ऐसा? हाँ सर। सर एक्चुअली पहले अनइंस्टॉल करने का उसके बाद से फिर से प्ले स्टोर पे ना वो इंस्टॉल करने का हो जाता है सर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो निशा आज के लिए फिर आप क्या करो, आपको अटेंड करना है तो तब तक करो और नहीं तो फिर आप वैसा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो फिर वापस से। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। हाँ सर। क्योंकि मैं भी जब सेशन ऑनलाइन ही मैं अटेंड करता था तो मेरे को जनरली यही प्रॉब्लम आती थी कि तो हम लोग पिन करके दिख जाता था या तो लॉग आउट करके लॉगिन किया तो दिख जाता था। जानवी आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ? यस सर। वेरी गुड। श्रेया? यस सर। श्रद्धा? यस सर। ओके फाइन। सो सेकेंड प्रोग्राम का आउटपुट मिला, श्रद्धा कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? हेलो श्रद्धा। ओके फाइन। श्रेया कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? श्रेया? यस। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अभी ये आउटपुट कैसा आ रहा है? 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 है। मुझे 7 7 7 तक चाहिए, मतलब 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7। तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा इधर प्रोग्राम में? 1.8 करके देखते हैं। गुड आ गया इंच इज गेटिंग गुड। तो सेकंड प्रोग्राम हो गया, नाउ विल मूव टुवर्ड थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम क्या है? अगेन फॉर एक्स इन रेंज, आई डोंट नो क्या आना चाहिए बट 1 2 6 कर देंगे और वाई इन रेंज
आगे जाके हम लोग वेरिएबल भी चेंज कर लेंगे, एक्स वाई बहुत खेल लिए, एक्स वाई के हम लोग आई के साथ खेलेंगे, आई जे के ऐसा कुछ खेलेंगे, ठीक है। फॉर वाई इन रेंज अभी क्या करना है, हु इज दिस, अच्छा for y in range for y in range abhi dekho I don't know kon batayega ye batao third wala try karoge kya aap log will you try for this third program Gauri yes sir Gauri can you try for this hello ha sir ye third program try karoge aap okay sir main try karti hu Akshay will you try for third program yes sir ओके आप लोग ट्राई करो चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं देन वी विल आई विल टेल यू अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड विद दिस मींस फिर नहीं तो मैं बताता हूँ आपको मैं 5 मिनट खाली चाहिए आपका ताकि आपको समझ में आएगा कि ये दो प्रोग्राम कैसे किए इजी है वैसा कुछ नहीं है इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्या लॉजिक लगाना है आप लोग लगाओ फिर मैं बताता हूँ आपको मैं थर्ड प्रोग्राम ये स्क्रीन आपके पास है खाली आप लोगों का 5 मिनट मुझे उधर आप लोग सोचो लॉजिक फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे करेंगे उसको मैं भी इधर ट्राई कर रहा हूँ आप लोग भी ट्राई करो
Anybody tried? आगे सर इसका आया किसका आउटपुट आया करण सर करण नेट से छापा है क्या नहीं सर पक्का 100% रब भी किया है मैंने ये लॉजिक कैसे लगाओ वेरिएबल लेने का सर मैंने वो मतलब x की वैल्यू y का जो रेंज था वो करके देखा पर वो नहीं हो रहा था तो फिर एक तो l वैल्यू ऐड करना ही पड़ा z टर्म करेक्ट है वो So, anybody else who got the answer? Anybody else who got the answer? Shall I explain? Yes, sir. Okay, so simple है ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 1 सेकंड लाइन में 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 10 ऐसा तो मैं क्या करता हूँ फॉर x इन रेंज 1 2 6 पांच लाइन प्रिंट हो गए फॉर वाई इन रेंज 1 to x ऐसा एज्यूम करके चलते हैं अभी क्यों क्योंकि लेकिन हमें पहले वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है मुझे
वन वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं सपोज जीरो ले देता हूँ ताकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन आएगी तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी वाई की। ठीक है, ऐसा जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। अभी क्या करना है इसके अंदर, वाई डालू क्या? चलो वाई डाल के देखते हैं। ठीक है, बाद में एंड किया, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो उसका जो आउटपुट है वो हमें मालूम है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ सेक्शन में 3B से। ठीक है, ऐसा किया तो ये बात नहीं बन रही, यहाँ पे जीरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वाई प्रिंट करवाया। चलो एक्स प्रिंट करवा के देखते हैं। 1 2 2 ये सब सब देख रखा है हम लोगों ने। एक्स माइनस वाई प्रिंट करवा के देखते हैं, एक्स प्लस वाई करवा के देखते हैं। ऊपर की वैल्यू भी चेंज कर लेंगे लेकिन कहीं तो ऐसा आना चाहिए ना, वाई माइनस एक्स किया तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हमें हल्का फुल्का अगर वो पास में मिल रहा है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कहीं ऐसा मिल रहा होता तो हम लोग यहाँ की वैल्यू ऊपर की चेंज करते थे, पर दूर दूर तक कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा है हमें। ठीक है, मैक्सिमम 5 तक ही जा रहा है, तो इस रेंज के बाहर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इस लूप में इंक्रीज होता रहे अपने आप। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रेदर देन ये सारे वैल्यूज लेने की जगह पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा पी। ठीक है, और उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे पी प्लस इज इक्वल टू 1 ये डाल दूंगा, और इनिशियली वो एरर देगा क्योंकि उसको पी डिफाइंड नहीं है। तो पी डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, पी की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं क्या कर दूंगा, 0 या 1 कुछ भी कर सकता हूँ, 2 कुछ भी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग 1 से करनी है और पी को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इसलिए पी की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। जब मैंने ऐसा किया, पहले एक बार आउटपुट चेक कर लेंगे क्या आ रहा है, एकदम परफेक्ट आउटपुट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये लूप वर्क कैसे कर रहा है, ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। आउटपुट तो आ गया है, पी एक वेरिएबल लिया, वो उसकी हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग एक्स की वैल्यू 1 2 6 है, 2 3 4 5 एक्स की वैल्यू आ गई। बाद में y इन रेंज ऑफ 0, x, y इन रेंज 0, x मतलब और y इन रेंज 0, x मतलब क्या हो गया, 0, x का मतलब क्या हो गया कि पहले x की वैल्यू 1 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 1 मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। 1 पे क्या प्रिंट करना है, p, p की वैल्यू पहले क्या है डिफाइन की हुई है 1, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी क्या हो गया, p को इंक्रीज किया बाय 1, तो p की वैल्यू क्या हो गई, ये y लूप के अंदर ही p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे y लूप खत्म हो गया है फॉर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 ही है, तो p जो है वो एक बार इंक्रीज हो गया, p की वैल्यू 2 हो गई अभी। ठीक है, p की वैल्यू 2 हो गई, अभी क्या होगा, x की वैल्यू 1 पे वाली खत्म हो गई, अभी x की वैल्यू 2 पे आते हैं हम लोग। x की वैल्यू जब 2 लेंगे यहाँ पे तब क्या होगा, 0, 1 दो वैल्यू होगी, तो ये y वाला लूप जो होगा 2 बार रन करेगा, एक बार y इज इक्वल टू 0 के लिए रन करेगा, दूसरा y इज इक्वल टू 1 के लिए रन करेगा। जब y इज इक्वल टू 0 के लिए रन कर रहा है तब क्या प्रिंट करने का हमें, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या आ गई थी, यहाँ पे 2 हो गई थी, तो 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस लाइन में यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, अभी प्रिंट क्या करवाना है वहाँ पे, तो p प्रिंट करवाना था, यहाँ पे प्रिंट क्या करा है, y इज इक्वल p इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिया। आगे आगे क्या आएगा, यहाँ पे
टू प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट p मतलब टू यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी फिर क्या हो गया, प्री p को इंक्रीमेंट करो वन से, p की वैल्यू क्या हो गई थ्री, मतलब p की वैल्यू क्या हो गई थ्री। इस वजह से समझो, या तो यहीं पे समझ लो कि p की वैल्यू थ्री, क्योंकि ऊपर नहीं आ रहा है, वो लूप के बाहर नहीं जा रहा है, वो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है वन, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा मान के चलो p की वैल्यू थ्री हो गई, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या प्रिंट होगा, फिर से p की वैल्यू थ्री प्रिंट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और y की वैल्यू है क्या, कुछ नहीं है अभी फिलहाल, x इज इक्वल टू टू के लिए y की वैल्यू इतनी है। तो ये फॉर y लूप से, y का जो फॉर लूप है उससे हम लोग बाहर हो जाएंगे, प्रिंट कमांड है स्लैश n, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे फिर क्या, नेक्स्ट लाइन मतलब x की वैल्यू थ्री है, x की वैल्यू थ्री है मतलब यहाँ पे x की वैल्यू थ्री हो गई। इसके लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या है, जीरो वन टू, जीरो वन टू मतलब जब यहाँ पे हम लोग जीरो डालते हैं, जीरो डालते हैं तो यहाँ पे ये जीरो y की वैल्यू जीरो, यहाँ y की वैल्यू वन, यहाँ y की वैल्यू टू। आप स्टार प्रिंट कराना चाहते हो स्टार प्रिंट करा लो, y प्रिंट कराना चाहते हो y प्रिंट करा लो, यहाँ पे हमें फोर फाइव सिक्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जब लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हुआ था तो थ्री प्रिंट हो गया था, थ्री प्रिंट होने के बाद यहाँ पे p इंक्रीमेंट होकर फोर हो गया। अभी फिलहाल जो है p की वैल्यू क्या है, फोर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर प्रिंट हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, पी की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, तो पी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, फाइव कर रहे हैं। फिर y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वन हो रहा है, y इज इक्वल टू वन हो रहा है, तो यहाँ पे फाइव हो गया, ठीक है, फाइव हो गया। फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे टू ले लो, लेकिन जैसे ही वो फाइव प्रिंट हो गया फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, तो y की पी की वैल्यू क्या हो गई, सिक्स हो गई। तो इसकी जगह पे पी की वैल्यू क्या हो जाती है, सिक्स हो जाती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, फिर अभी x ये लाइन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जीरो वन टू ही थी, तीनों वैल्यू आ गई। अभी मैं एक और वैल्यू आपको अच्छे से लेके दिखाता हूँ मैं, तो समझ में आएगा आपको। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये x की वैल्यू फोर है यानी x की वैल्यू फाइव है। अभी हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट की, फोर। जब ये एंड हुआ, जब पहले वाला एंड हुआ, उस टाइम में यहाँ पे सिक्स प्रिंट होने के बाद, सिक्स प्रिंट होने के बाद पी की सिक्स पे प्रिंट हो, यहाँ पे पी इंक्रीमेंट होकर पी सेवन हो गया था, तब सेवन हो गया। फिर उसने चेक किया y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू क्या थी, जीरो वन टू, तो वो तीनों वैल्यू यूज हो चुकी थी, नेक्स्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए क्या क्या y फॉर लूप से बाहर हो गया फिर वो। बट p की वैल्यू क्या छोड़ के गया, वो सेवन छोड़ के गया। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, सेवन p प्रिंट करवाना है कि नहीं प्रिंट करवाना है, वो अभी नेक्स्ट डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा, तो फिलहाल हमें यहाँ पे p की वैल्यू सेवन है, हमारा जो है नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है प्रिंट कमांड स्लैश n, यहाँ पे आ गए। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो x की वैल्यू क्या ली है हम लोगों ने, फोर ली हुई है x की वैल्यू क्या ली हुई है, फोर ली हुई है। जब हम लोगों ने x की वैल्यू फोर ली यहाँ पे, तो जीरो टू फोर, जीरो टू फोर यहाँ पे क्या वैल्यू है y की, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जीरो वन टू थ्री पे, तो जीरो वन टू थ्री पे क्या हो रहा है, जीरो वन टू थ्री पे चार वैल्यू आएंगी, तो चार वैल्यू मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन टू थ्री, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी जब y की वैल्यू जीरो है तो प्रिंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, p, तो मतलब कहाँ पे छोड़ के वैल्यू गया था, सेवन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू सेवन थी। फिर p की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, एट कर दो। अभी वापस से वो y लूप फॉर का लूप जो होगा वो y वाला चेक करेगा वो, तो नेक्स्ट वैल्यू है क्या है, वन है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, पी प्रिंट करना है प्रिंट, तो प्रिंट क्या करना है, एट प्रिंट करना है। फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, नाइन। अभी वापस नाइन हो गई, तो वापस से फॉर लूप वाई का चेक कर रहा है, आगे वैल्यू है क्या वाई की, है टू है, तो टू पे क्या प्रिंट करना है, पी प्रिंट करना है, प्रिंट पी करना है मतलब पी की वैल्यू क्या थी, नाइन, तो नाइन हो गई। फिर ये नाइन प्रिंट करने के बाद वापस से पी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, क्या हो जाएगा, टेन, टेन हो गया। तो फॉर वाई इन रेंज ऑफ
थ्री की वैल्यू पे प्रिंट पी, प्रिंट पी मतलब 10। अभी वापस क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट मतलब 11, 11 तो कर दिया पी की वैल्यू, वापस फॉर लूप पे गया, वाई फॉर का लूप वाई पे गया, तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3। अब 4 है क्या, नहीं है, तो मतलब ये वाई लूप, फॉर लूप जो है वाई के लिए टर्मिनेट हो जाएगा, वो वापस से बाहर वाले लूप में आ जाएगा। फिर वो बाहर की नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है क्या, तो 5 अवेलेबल है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट लाइन में आने के बाद, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद वो फॉर लूप वाई एक्स के लूप में जाएगा, वहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल है एक्स की, अगर है तो ठीक है, वरना ये लूप पूरा टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम यहीं पे एंड रहता है। लेकिन एक वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, कौन सी, एक्स इक्वल टू 5 की। तो एक्स इक्वल टू 5 जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रिस्पेक्टिव हमें सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, तो वापस से 11, फिर नेक्स्ट वापस से 12, फिर नेक्स्ट वापस से 13, फिर 14, 15, तो ये सब वैल्यूज के लिए 11, 12, 13, 14, 15 ये सब प्रिंट होगा। तो दिस इज द वे दिस प्रोग्राम विल रन। कैसे आता है, तो एक्सपीरियंस से आएगा, लॉजिक से आता है, ठीक है, सारे जो आप कर लेते हो प्रोग्राम उसके बाद आएगा, और प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज, कैन यू डू दिस प्रोग्राम? ओके, आई विल डू, यस सर। आप लोग भी ट्राई करो, और जो ट्राई कर रहा है ट्राई करो, नहीं तो इधर देखते जाओ आप लोग। सो आई विल परफॉर्म ओवर हियर, आपके हिसाब से भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे हेल्प करो यहाँ पे। चलो अभी हम लोग प्रोग्राम नंबर 4 करते हैं, क्योंकि आप लोग करोगे फिर मैं यहाँ से मैं आउटपुट चेक करूंगा। इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, हम लोगों ने स्टार वाले ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फोर्थ प्रोग्राम कर रहे हैं। हु इज गोइंग टू हेल्प मी, टेल मी, फॉर एक्स इन रेंज, बोलो 5, 0, -1। क्यों 5, 0, -1? हाउ यू गॉट टू नो दैट? एक सेकेंड, पहले वाले लाइन में हाँ 5 है, तो मैं सपोज यहाँ पे ऐसा मान निकलता हूँ, मैं 1, 2, 6 लेके चलता हूँ, क्योंकि लाइन टोटल जो लाइन है वो तो 6 है, 5 है टोटल लाइन जो है, 5 है ना टोटल लाइन जो है यहाँ पे, ये 5 से 5 है, तो मुझे तो मालूम नहीं है नेक्स्ट लाइन में, लेकिन हमको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि फॉर वाइन रेंज अभी पहले वाली लाइन में 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5, 6 ऐसा करता हूँ, 5, x करता हूँ से, और ये 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, मान के चलो, क्योंकि अपना लॉजिक ऐसा, मैं हर इस वजह से बता रहा हूँ आपको, मैं -1 क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये प्रिंट भी करेगा ना, तो सपोज एक्स करवाया, प्रिंट इज इक्वल टू सेव कर लेंगे, 4a से नाम देता हूं मैं, तो ये 0, ये 1, ये 5 आ रहा है इधर, 4 इधर, 3 2 इधर, लेकिन ये तो वे क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ y डाला, देन अभी देखो इधर 5, 4, 3, 2, 1 या 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 5, लेकिन यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, यहाँ 1, 2 चाहिए, मतलब जो नंबर है वहाँ पे बराबर है, मतलब ये जो 5 डिजिट्स 4 डिजिट से बराबर है, लेकिन ये नंबर उल्टे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 5, 0
5, 0, -1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0, x, 0 किया तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे, अभी प्रिंट क्या करना है, अगर वाई करवाया मैंने तो क्या होगा उसमें देखते हम लोग क्या होता है। यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी 6, प्रिंट वाई तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आता नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा मतलब क्या आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, सो 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, 3 आ जाएगा, तो 1, 3 मतलब 1, 2, और फिर क्या आएगा 1। तो इस वजह से रन हो गए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, समझ में आया क्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। अभी नेक्स्ट जो है प्रोग्राम, ये क्या है 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, बाद में 3, 2, 1, ये प्रोग्राम है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ऐसा हो रहा है क्या पूजा, एम आई गोइंग फास्ट? नो सर, लिटिल बिट। नो सर। Siddhika, am I going fast? No, sir. Shraddha? Hello? So, Shraddha, are you there? Okay, fine. Maybe mic problem. At least you can, if my problem is there, you can write me in the chat. तो ये प्रोग्राम जो है आपका, अभी जो किया हम लोगों ने, वो कौन सा था? वो ये था। अभी इसके लिए क्या होगा बताओ, क्या चेंज करेंगे? अभी जिसको मैं पूछूंगा वही बताएंगे, कोई भी आंसर नहीं देगा until unless I will ask, they are supposed to give the answer. Except Karan, Sunil and Sahil. इन तीनों को छोड़ के बाकी में से कोई भी आंसर दे सकता है कि ये फोर्थ प्रोग्राम का, मेरे पास फोर्थ जो आउटपुट दिख रहा है उसका प्रोग्राम है मेरे पास, मुझे फिफ्थ का चाहिए, क्या करेंगे? बाकी तीनों का जो नाम लिया वो भी सोच के रखो, मैं कभी भी पूछूंगा। आउटपुट में क्या चेंज है, जहां वन है वहां फाइव आना चाहिए, जहां फोर है वहां टू आना चाहिए, जहां थ्री है वहां पे टू आना चाहिए, जहां पे फोर है वहां टू आना चाहिए, जहां पे फाइव है वहां पे वन आना चाहिए, उल्टा कर देना है सीक्वेंस। करण कैन यू सजेस्ट, सॉरी साहिल कैन यू सजेस्ट? यस सर। क्या
सर पहले हम फर्स्ट लूप में फाइव मतलब एक जो फर्स्ट लूप होंगी उसको उसको 1 to 5 पहले रन करवाते, फिर उसके बाद सेकंड लूप में 5 to 1 मींस 5 रुको 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 1 to 5 मतलब 1 to 6 ठीक है, फिर सेकंड लूप में मतलब 5 से स्टार्ट होना चाहिए और एंड 0 पे होना चाहिए, मतलब मतलब x से ये करना है हमें उसको। फिर प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करें? वाई ना किए हुए नहीं आता है भाई मेरे, करके देखना पड़ता है। अब बोल रहे मैंने डाल दिया इसमें, फाइव ए 5 4 3 2 5 4 3 एक नंबर कम पड़ रहा है, मतलब क्या करने का बताओ। ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा सर। फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6 0 to 6 पे आएगा क्या? क्योंकि 0 से लेके 5 तक वैल्यू, सॉरी 0 1 to 6 वैल्यू हो जाती, 6 लाइन आ जाएगी, फिर ऐसा करना पड़ेगा। पहली बार लाइन आ गई, बट ये 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए? 4 3 2 1 चाहिए, 5 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं आ रहा है, डिफरेंस दिख रहा है आपको आउटपुट जो चाहिए और जो मिल रहा है हमें पहले और इस वाले के कंपेयर में। अगर मैं 1.6 डालता हूँ तो देखो तो 1 नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी 5 5 5 आ रहा है, बट मुझे 5 चाहिए नहीं, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए वो। करण कैन यू सजेस्ट? करण के नहीं, साहिल कैन यू सजेस्ट? सर हमें जो सेकंड लूप है उसको मतलब डिक्रीमेंट करना है फोर्थ। बोलो कैसे? सर मुझे ट्राई करने दो, मुझे अब तक नहीं मिला है उसका। करण विल यू सजेस्ट? इसमें चेंजेस कर सकते हैं पहले वाले में, फोर वाले में? यस सर। बोलो सर। एक्चुअली मैंने x की रेंज 5 0 -1 ली है। 5 5 -1 0 -1 0 -1 ठीक है। एंड y की रेंज x 0 -1 x 0 -1 ठीक है। देखिए और प्रिंट में वाई डाला है ना? यस सर। वर्क कर रहा है, गुड। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 ठीक है। ये भी वे हम लोग एक ही प्रोग्राम को अगर दूसरे मतलब उसमें ज्यादा चेंजेस ना करना पड़े तो क्या है कि अपने को इजी जाएगा। इस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं हम लोग चेंजेस? बोलो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आ रहा है क्या? फोर्थ वाला जो प्रोग्राम है आपका, इसमें मैंने चेंजेस किए, ये फोर्थ वाला प्रोग्राम था। करण ने जो बताया वो भी सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको x माइनस वन कर दूंगा। 5b क्या किया इसको?
54321, 53, 4321, 321, 211. तो वही वाला प्रोग्राम, फोर वाला प्रोग्राम जो है हमारा फिफ्थ के लिए भी वर्क करेगा, कल यहाँ पे एक्स माइनस वाई कर दिया. समझा क्या? हेलो. यस सर. मैं इसका जो स्नैपशॉट है वो ग्रुप में भेज देता हूँ. दिस इज ऑफ फिफ्थ, इसमें फिफ्थ भी लिखा है तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. 10 मिनट में हम लोग वाइंड अप कर देंगे. ये आ गया. नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है फटाफट बताने का है अपने. गलत सलत कैसा भी बताओ. प्रीति क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका लॉजिक उतना जल्दी नहीं लगेगा क्योंकि इसको इट रिक्वायर्स रियली लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आप बता नहीं सकते हो, बट क्या ट्राई तो कर सकते हो ना. ट्राई करने में पैसे थोड़ी जा रहे. सर स्टार्ट फर्स्ट लूप स्टार्ट 50-1. प्रीति की आवाज चेंज कैसे हो गई? सर मैं साहिल बोल रहा हूँ. मैं डर गया मैं थोड़ी देर के लिए. प्रीति. यस सर. एट लीस्ट स्टार्ट विद फॉर, कैसा आएगा फॉर एक्स इन रेंज बोलो. पहले लाइन में पांच है, तो पांच है मतलब क्या करना है? यस सर. पूजा विल यू ट्राई? 5-0. वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 रूपए का करना पड़ेगा. 5 कॉमा फिर फॉर वाइन रेंज. वन टू फाइव आ जाएगा तो जीरो से लेना पड़ेगा. जीरो से फाइव, जीरो से एक्स तक. ठीक है फिर प्रिंट. अभी प्रिंट क्या करवाना है हमें? तो यहाँ पे ये पहले वैल्यू क्या है? 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी जब 5 यहाँ पे आएगा? तो y की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4. तो चार पांच वैल्यू आ रही है बट मुझे y नहीं प्रिंट करवाना है. x की वैल्यू क्या है? 5. तो मुझे 5, 5, 5, 5, 5 ही प्रिंट करवानी है. तो मैं प्रिंट x डालूंगा यहाँ पे, करके देखते हैं. प्रिंट एक्स. प्रिंट इज इक्वल टू फाइव 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 फोर 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 थ्री थ्री टू टू वन वन आ गया. ठीक है क्यों आया? क्योंकि उसका रीजन क्या है? तो जब एक्स फाइव लिया मैंने उस टाइम में यहाँ पे जीरो टू फाइव आया, मतलब ये वैल्यू है वाई की. तो मुझे क्या चाहिए? एक्स की ये फाइव ही चाहिए डायरेक्टली. तो मैंने एक्स प्रिंट किया एक और वैल्यू चेक करने के लिए. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? एक्स की 4 होगी यहाँ पे. उस टाइम में वाई की वैल्यू क्या होगी? ये छोड़ के सारी वैल्यूज होंगी. तो 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करवाना है? अगर x की वैल्यू 4 है तो मैं 4 ही प्रिंट करवा देता हूँ, मतलब x ही प्रिंट करवा देता हूँ तो डायरेक्टली 4 आ जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? x की 3. तो 3 के लिए ये वाली वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे 3 वैल्यू 0, 1, 2. तो यहाँ पे अगर x ही मैंने प्रिंट करवा दिया तो 3, 3, 3 आ जाएगा, फिर 2, 2, 2 आ जाएगा, फिर 1, 1, 1 आ जाएगा. इन दिस वे वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज. अभी आगे के प्रोग्राम जो है ना, आपको लग रहा है बाप रे क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है. ध्यान से देखो, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा. एक सेकंड का प्रोग्राम है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट दोनों जो है 7th एंड 8th.
सेवेंथ में बताता हूँ, एट्थ आप मुझे बताओ, ठीक है? अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं बताया वो एट्थ बताएंगे, सेवेंथ में बता देता हूँ। चलो सबसे बता देता हूँ, सेवेंथ वाला मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे चीजों को, अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूँ, सभी में से 11 कॉमन ले लूँ, तो मेरा प्रोग्राम क्या बन जाता है? मेरा प्रोग्राम बन जाता है 1 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अगर मैंने उसमें से 11 कॉमन ले लिया तो। मतलब करना क्या है, या तो मुझे प्रिंट x करवाना होगा या तो प्रिंट y करवाना होगा, और वहां पे खाली x नहीं प्रिंट करवाना है, 11 इंटू x करवाना है प्रिंट, या अगर y प्रिंट करवा रहा हो तो 11 इंटू y प्रिंट करवाना है। तो बाय डिफॉल्ट ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 11 11 22 11 22 33 11 22 33 44 11 22 33 44 45 55, तो करके देखते हैं क्या होगा। रेंज वन टू फाइव ले लिया फॉर वाई, फॉर वाई इन रेंज मेरे को कैसे जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन है, यहाँ पे दो जगह पे, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, यहाँ मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन स्पेस, यहाँ पे तीन डिजिट्स है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फाइव है, तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ, बहुत सारे वेज होते हैं बट आई एम गोइंग इन दिस वे, 6 5 4 3 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 नहीं, एक ही यहाँ पे स्पेस चाहिए मेरे को, तो 0 1 कॉमा x, यहाँ पे 2 कॉमा 7, प्रिंट प्रिंट क्या देंगे यहाँ पे मालूम नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आया तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जब हम 2 देंगे x की तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, तो 1 आ गया। मैं 1122 बाद में डाल दूंगा, फिर जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 2, तो मुझे प्रिंट क्या करवाना है, वाई प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर मैं यहां पे वाई प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5, अभी क्या आ जाएगा, 11 इंटू 11 11 22 11 22 33 11 22 33 44 11 22 33 44 55, ठीक है। सिंपल है, अभी नेक्स्ट वाला मतलब ये प्रोग्राम जो था ना, जहाँ 1 1 2 आता था वहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दैट्स इट, ये पहला वाला प्रोग्राम था उसको। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 8,
सेवन तब कैसे आया, इस वाले को खाली मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वाई प्रिंट करवाते थे उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। एट का कैसे करेंगे, बोलो एट्थ वाला कैसे करेंगे सर? सिर्फ रेंज, एक्स की रेंज चेंज करेंगे। कौन से प्रोग्राम में चेंज करना है मुझे बताओ पहले, ये किस कौन से प्रोग्राम जैसा है? सर इसी प्रोग्राम में सिर्फ रेंज चेंज करनी पड़ेगी, फोर्थ जैसा ना, फोर जैसा है सर, फोर्थ जैसा, फोर्थ जैसा है। मैं क्या करता हूँ, फोर्थ जैसा है तो मैं क्या करता हूँ, फोर्थ वाला प्रोग्राम ओपन करता हूँ और उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, चलेगा? मतलब ये वाला अवेलेबल है हमारे पास एंड ये वाला चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, आई विल ओपन फोर्थ प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक द आउटपुट ऑफ फोर्थ प्रोग्राम क्या आ रहा है, सो इट इज 1 2 3 4 5 जो चाहिए वो आ रहा है। अगर मैंने इस फोर्थ वाले प्रोग्राम को कॉपी किया, पेस्ट किया, अरे यार कंट्रोल देर, यहाँ पे 11 22 33 44 55 11 22 33 44 11 22 33 11 22 11, तो ये इस वजह से आ गया हमारा। जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। इस प्रोग्राम का भी मैं प्रिंट आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है? Now it comes to be the last program. Last program, see, sequence थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये sequence 1। अगर आप इस प्रोग्राम को देखो, इस प्रोग्राम के दो पार्ट है, पार्ट है ये वाला जो, तो करना क्या है आपको इस वाले प्रोग्राम में, आपको ये मालूम है कैसे प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, कैसे क्या, फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो था वही, 2x 2 2 7 y, बाद में प्रिंट y, ठीक है? बाद में क्या करना है उसको उल्टा करना है, और बाद में चेंज ये करना है कि इसकी एक, इसकी रेंज या तो वैसा का वैसा रखो एंड इसका जो रहेगा वो एक रेंज कम कर दो ताकि वन नहीं आए इसके अंदर, इस वाले के अंदर, और बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। दोनों कंबाइन किया तो आ गया आपका आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम है ऑलरेडी, मैंने सेशन से पहले करके देखा था, तो आप देख सकते हो इसको 1 1 2 1 2, ये ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको ऐसा पढ़ना है कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट ये रहा।
ठीक है, इसमें से वन जो है वो एक में रखना है, एक में हटा देने का। तो आपने आप दोनों कंबाइन किया, सो यू विल गेट द डिजायर आउटपुट। उसका प्रिंट स्क्रीन में भेज देता हूँ आपको, यू कैन इजिली गो थ्रू इट, तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। So we have seen all these 9 programs, and we have also seen last star program that I had given you homework. So 10 programs today we have seen in session. Tomorrow I'll show you what we are going to do. ये सारे program दिख रहे हैं क्या आपको? Are you able to see the program? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे प्रोग्राम हमें करने हैं, मतलब सीरीज, सम की सीरीज, स्क्वायर की सीरीज, क्यूब की सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सब ये सब करके देखना है हमें, ठीक है? ये इतना किया हम लोगों ने, इसके अलावा भी बहुत है, इसके अलावा भी बहुत है, बट ये इतने कर लिए हम लोगों ने, मतलब आपका अच्छा हो जाएगा प्रोग्राम, मतलब वी कैन से। बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन ये वो ऐसे कर करके More than 100-125 programs are there in basics that we can do. But इतना भी किया तो वो बहुत है, 10 13 उधर थे, 9 इधर, 22 और ये 10 करेंगे, 30-35, और इवन ऑड वाले, लार्ज नंबर वाले भी 15-20 किए हम लोगों ने, छोटे छोटे वाले 10-15 किए, 40-45 programs we have done, है ना? फर्स्ट एन नंबर वो सब किए, 15 प्रोग्राम तो वो हो गए आपके। तो कल ये करके प्रोग्रामिंग खत्म करते हैं हम लोग, फिर आपके तीन या दो शीट बचे होंगे, वो नेक्स्ट वीक में लेंगे, एंड उसके ऊपर अगर कुछ देखता हूँ, एग्जांपल भी लेने हैं कि अगर लेने होंगे तो वो एक वीक में उसको ले लेंगे, ख़त्म करेंगे फिर आपका फर्स्ट मॉड्यूल। ऐसा कुछ है नहीं, मॉड्यूल वाइज कुछ होता नहीं है, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड रहती है, तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो अपने आप आपका सारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे करके। इट्स नॉट लाइक कि मॉड्यूल वन है तो अभी हो गया, फिर मॉड्यूल टू, फिर मॉड्यूल थ्री। कल के सेशन जो रहेगा आई विल ट्राई कंडक्ट करने का, क्योंकि टुमारो आई एम गोइंग फॉर टेकिंग द वैक्सीनेशन, सो इवनिंग स्लॉट में रहेगा मेरा वैक्सीनेशन 3 to 6 में, मैं 3 बजे जाके ही ले लूँगा, बट इन केस कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स मतलब बुखार उखार आ गया या कुछ, सो 1% चांस इज देयर, इन केस ऑफ दैट आई कांट, अदरवाइज 100% मैं लूँगा सेशन, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि आप कल फ्री हो इवनिंग को, इसलिए कल मैं लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो हो सकता है मैं शायद से ना ले पाऊं, शायद से नेक्स्ट वीक के लिए भी शायद से बोल रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कल मैं 100% कोशिश करूंगा लेने के लिए, नेक्स्ट वीक का भी लूंगा ही मैं, ऐसा नहीं है, बट आज के इसमें किसको कुछ डाउट है?